नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगिता, स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के इस वीडियो में। मेंटल हेल्थ को लेकर आजकल लोग काफी अवेयर हो गए हैं और वर्ल्ड बाइपोलर डे भी आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि बाइपोलर डिसऑर्डर आखिर है क्या और आप मेंटली कितने हेल्दी हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिससे 150 में से एक भारतीय पीड़ित है, मगर फिर भी ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते। हमारे आसपास अगर इस डिसऑर्डर से पीड़ित शख्स होता है तो हम उसके व्यवहार को अजीब समझकर या तो उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर उसकी हंसी उड़ाते हैं। इसी अवेयरनेस की कमी की वजह से 70% लोगों का इलाज नहीं हो पाता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब शरीर में डोपामाइन हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है तब इंसान बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होता है, क्योंकि डोपामाइन हार्मोन का बैलेंस बिगड़ने से इंसान का व्यवहार बदल जाता है। जो इस डिसऑर्डर से पीड़ित होता है उसे भयंकर मूड स्विंग्स होते हैं, साथ ही दो तरह के डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं। हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति बेहद फुर्तीला महसूस करे या फिर वो बिल्कुल शांत हो और उदास हो जाए। इन दोनों स्थितियों को हाइपरमेनिया और हाइपोमेनिया कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरमेनिया क्या होता है। इसमें इंसान बिल्कुल बेकाबू हो जाता है, उल्टे सीधे काम करता है, अजीब बातें करता है, वो कुछ भी सोच समझकर नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता और लगातार काम करता है, वो ना ढंग से नींद लेता है और ना ही एक जगह चैन से बैठता है। अगर बात करें हाइपोमोनिया की तो हाइपोमोनिया में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत शांत और उदास महसूस करता है, वो दिन रात एक कोने में बैठा रहेगा, रोएगा और हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहेगा। उसका किसी काम में मन नहीं लगता, ना बाहर जाने में और ना ही किसी से बात करने में। ऐसा शख्स फैसले नहीं ले पाता, सुसाइड के विचार आते हैं। वो या तो बहुत कम सोएगा या फिर बहुत ज्यादा सोने लगेगा। उसकी भूख और वजन भी कम होने लगता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक बाइपोलर डिसऑर्डर किसी भी उम्र में किसी भी शख्स को हो सकता है। आमतौर पर 20 से 30 की उम्र में इसके होने की ज्यादा संभावना रहती है। बच्चों में भी ये मानसिक समस्या हो सकती है, लेकिन उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल होता है। वजह है कि बच्चों का मूड वैसे भी बदलता रहता है, वो ज्यादा एक्टिव और अटेंशन सीकर होते हैं। हालांकि अगर ये मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर का कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे पूरी तरह से खत्म किया जा सके। हालांकि दवाओं और थेरेपी से इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई लगातार थेरेपी करवाता है तो वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। डॉक्टर हमारे दिमाग की झिल्ली में डोपामाइन की मात्रा को संतुलित करने के लिए स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, इससे बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई शख्स बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है तो फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट बनती है। शख्स के साथ बने रहना, उसकी देखभाल करना जरूरी है। अगर उसे क्रिएटिव चीजों में लगाया जाए तो वो और बेहतर महसूस करता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।